कोई भी आप खाने पीने का वीडियो या लेख पढ़ेंगे तो उसमें एक शब्द जरूर आपने सुना होगा और वह शब्द है एंटीऑक्सीडेंट। आज का वीडियो आप अंत तक पूरा देखिए जिसमें इसी का ही डीकोड करेंगे कि आखिर एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, इससे हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है आदि। एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल को कम करने का काम करते हैं। फ्री रेडिकल ऐसे मुक्त अणु होते हैं जो आपकी कोशिकाओं से जुड़कर एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं। यह प्रक्रिया आपको कई रोगों की चपेट में ले आती है। अगर आपको फ्री रेडिकल के बारे में विस्तार से जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिख दीजिए, जिससे हम आने वाले दिनों में फ्री रेडिकल पर एक डेडिकेट वीडियो हम जरूर बनाएंगे। आज बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट की। एंटीऑक्सीडेंट वह पदार्थ होते हैं जो फ्री रेडिकल के कारण होने वाले कोशिकाओं के नुकसान को रोकते हैं या वह नुकसान को देरी में लाते हैं। प्राकृतिक रूप में एंटीऑक्सीडेंट फल और सब्जियों में पाए जाते हैं। इसके अलावा कई सारी सप्लीमेंट दवाइयाँ भी होती हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं। चूँकि प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है, इसलिए सप्लीमेंट की ज़रूरत काफ़ी कम होती है। बीटा कैरोटीन, विटामिन ई और विटामिन सी से युक्त खाद्य पदार्थ एंटीऑक्सीडेंट के बेहतरीन स्रोत होते हैं और इन्हें बड़ी आसानी से आप अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट के महत्वपूर्ण कार्य और इसके फायदे। यह कैंसर के जोखिम को कम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, दिमाग को स्वस्थ रखता है, डायबिटीज़ को नियंत्रित करता है, आँखों को स्वस्थ रखता है, हृदय को भी रोग मुक्त रखता है, सूजन कम करता है, उम्र को बढ़ने से रोकता है। एंटीऑक्सीडेंट जिन जिन खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं वह कई सारे फल और सब्जियाँ होती हैं। एंटीऑक्सीडेंट युक्त कुछ अन्य आहार भी होते हैं जैसे कि कीवी, अनार, अदरक, लहसुन, चुकंदर, टमाटर, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट युक्त खाद्य पदार्थ हैं। एंटीऑक्सीडेंट आपकी कोशिकाओं को खराब होने से बचाते हैं। इससे कैंसर, उम्र के बढ़ने व अन्य रोग से होने वाले से आप बचते हैं। हमारी शारीरिक संरचना की रक्षा करने के लिए यह किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। यह हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सबसे प्रचलित एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी, ई, बीटा कैरोटीन और कैरोटीनॉइड्स है। खनिज में सबसे प्रचलित मैग्नीज और सेलेनियम है। एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को कम करने का काम करता है और ये फ्री रेडिकल एक प्रकार की सिंगल सेल कोशिकाएं हैं जो आपके शरीर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान करती हैं। अब आपको बताने वाले हैं उस एंटीऑक्सीडेंट के बारे में जो शरीर में स्वयं बनते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है ग्लूटैथियन। यह एक प्रकार की ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी कोशिकाओं को बचाने का काम करता है। इसके अतिरिक्त अल्फा लिपोइक या जीन में सक्रियता ला के सूजन को कम कर देता है। अगला एंटीऑक्सीडेंट है CoQ10 या एक बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम करता है। इसको यूवी क्यूनिन नाम से भी जाना जाता है। अब आपको बताने वाले हैं बाहर से जो एंटीऑक्सीडेंट लिए जाते हैं उसके बारे में। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है रेवेस्ट्रॉल या अंगूर और रेड वाइन में पाया जाता है। इससे बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम किया जा सकता है। कैरोटीनॉइड या प्राकृतिक रूप से सब्जियों और फलों में पाया जाता है। अगला एंटीऑक्सीडेंट है एस्ट्रेक्सिस्टिन या सबसे प्रभावशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है। यह फ्री रेडिकल्स को साफ करने में काम आता है। इसके अतिरिक्त विटामिन सी, विटामिन ई, ये भी एंटीऑक्सीडेंट है, जिसमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर में बढ़ाता है। विटामिन ई यह एक परिवार के 8 यौगिक से मिलकर बनता है और ये भी एंटीऑक्सीडेंट का ही एक प्रकार है। सेलेनियम यह एक आवश्यक खनिज होता है जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में शरीर में काम करता है। एंजाइनोमैटिक एंटीऑक्सीडेंट में सुपरऑक्साइड, डिसेमुलेट्स, कैटालेस और ग्लूटामिन शामिल होते हैं या फ्री रेडिकल्स को कम करने का काम करते हैं। इसके अलावा नॉन एंजाइमेटिक्स एंटीऑक्साइड में विटामिन सी, ई, ग्लूटेनियन शामिल होता है या फ्री रेडिकल्स की चैन बनने नहीं देता है। कुछ अध्ययन ऐसे भी हैं जो एंटीऑक्सीडेंट के कैंसर को भी रोकने का काम करते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट शरीर में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो उम्मीद करते हैं अब आप एंटीऑक्सीडेंट युक्त खाद्य पदार्थ ही खाएंगे। अब मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।